दोस्तों, आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि आपको फर्स्ट ईयर कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, कौन सी बुक आपके लिए बेस्ट रहेंगी। तो उसको स्टार्ट करने से पहले कि मैं आपको बुक का नाम बताऊँ, आपको पहले बता देता हूँ कि जो अच्छी बुक है, कि जो आपको पढ़नी चाहिए, कैसे आपको चूज करते हैं, उसके तरीके क्या है, पैटर्न क्या है। तो नंबर वन जो चीज़ आती है दोस्त, कि आपको ज़्यादातर लोग होते हैं ना, वो आपका ये नहीं देखते बुक कि ये बुक पढ़ने में अच्छी है, ये बुक पढ़ने में अंडरस्टेबल है, इजी है, या वो मतलब ये देखते हैं कि बुक स्टैंडर्ड है या नहीं है, बाकी लोग इसको फॉलो कर रहे नहीं कर रहे। दोस्तों एक बात बता देता हूँ मैं, डिफरेंट बुक होती है ना, वो डिफरेंट लोगों को सूट करती है। एक इंसान जो शुरू से एक अच्छे कॉलेज में पढ़ा है, बहुत अच्छे इंग्लिश मीडियम से पढ़ा है, तो एक हार्ड स्टैंडर्ड बुक है, हार्ड लैंग्वेज के अंदर, उसके लिए इतना मुश्किल नहीं होगा। लेकिन एक स्टूडेंट जो शुरू से आपका ये तीन चीज़ों से एक्सपोजर में नहीं था, उसने पहले हिंदी मीडियम था, कोई भी मतलब डिफरेंट सब मीडियम था, और वो आके अचानक दूसरे कहने से स्टैंडर्ड बुक लेता है, तो बहुत प्रॉब्लम फेस करेगा वो। उसको न तो बुक समझ में आएगी, न वो उस सब्जेक्ट को अच्छी तरह समझ पाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट है ना, जितनी इजी लैंग्वेज में आप उसको समझा पाओगे ना, वो उतना आपका समझोगे आप उसको, ठीक है। तो उसके लिए आपको एक चीज़ याद रखना है, नेचर, कि आपका नेचर क्या है, कि आप दूसरे लोगों को मत पूछिए कि आपको ये बुक लेनी चाहिए, फर्स्ट ईयर के अंदर फिजियोलॉजी के अंदर गैनोंग अच्छी है, गाइटन अच्छी है, महापात्रा अच्छी है, या एक जो आपका देवाशीष आती है तो आपको एग्ज़ाम के लिए वो अच्छी है। डिफरेंट बुक डिफरेंट लोगों के लिए अच्छी है, कुछ लोग पढ़ते ही नहीं, उनके लिए आप क्या करोगे स्टैंडर्ड बुक लेके। जिसको पढ़ना है ना, तो आपको सबसे अच्छा होता है सबसे पहले नेचर देखा, उसके बाद एक बार ट्राई करो खुद, सेकेंड होता है ट्राई। ट्राई क्या होता है कि आप या तो लाइब्रेरी है आपके कॉलेज के अंदर, उसमें जाके कुछ बुक वहाँ से देखो, पढ़ के देखो कि बुक कैसी लग रही है, मुझे कैसे पर्सनली फील आ रहा है इस बुक के अंदर, मज़ा आ रहा है या बस लैंग्वेज कैसी है मेरे अकॉर्डिंग, और आपका जो अपने दोस्तों से हैं जो बाकी उनके पास बुक हैं वो आप ले सकते हो, उनसे लेकर आप चेक कर सकते हो। तो ये तरीका होता है ट्राई। ट्राई का मतलब है कि लोगों से आप ट्राई कीजिए, लोगों की जो बुक हैं लाइब्रेरी में बुक है, एक बार ट्राई करके देखो। ऐसे नहीं कि किसी ने कह दिया, दो तीन कुछ टाइम दो उस बुक को कि आप उसके साथ एडजस्ट हो पा रहे नहीं हो पा रहे। बहुत फॉर एग्जांपल मैंने KDT है सेकंड ईयर के अंदर, मैंने कहने से लिया था कि ये बुक आपका स्टैंडर्ड बुक है, अच्छी बुक है, लेकिन जब मैं पढ़ता था तो उसमें मेरे को मज़ा नहीं आता था उसको। अलग अलग ड्रग दे रखी हैं, फ्लो चार्ट की उसके अंदर कमी है, क्योंकि फार्मा है ओवरव्यू की खेल होता पूरा, जितना अच्छा ओवरव्यू रहेगा उतना अच्छा आप उस चीज़ को ग्रैप कर पाओगे, इसी तरह उसको पकड़ पाओगे। तो वो चीज़ मेरे को लैक लगी, इसलिए मैंने डिफरेंट मेथड यूज़ किए, डिफरेंट बुक्स देख उस चार्ट देखे, गूगल यूज़ किया, ठीक है। तो बुक मैंने वो नहीं पढ़ी, तो ये बात याद रखना आपको। सेकंड, आपको ट्राई देना, एक बार ट्राई देने के बाद जो भी आपको बुक स्टेबल लगे, जो भी बुक आपको, मैं बताऊँगा आपको कि कौन सी बुक एज ए नॉर्मल जो रेंज है, सभी का नाम बताऊँगा, और उसके अंदर मैं नीचे लिंक भी डाल दूँगा, ठीक है। आप चेक भी कर सकते हो कि कैसा उसका प्राइस है, कैसा वो, ठीक है, कितनी वॉल्यूम है, सब कुछ आपको नीचे लिंक में डाल के मिल जाएगा चेक करने के लिए। तो नंबर सेकंड का ट्राई, उसके बाद तीसरा, आपने कोई बुक आपको अच्छी लगी, सिंपल लगी, वो बुक आपको ले लेना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि बुक एक बार स्टार्ट, कोई बुक पढ़ो ना, यदि आप बहुत जो मार्केट के अंदर वो नहीं है उसको भी अच्छी तरह पढ़ लोगे ना, तो भी बहुत आगे से, बहुत सारे लोगों से आगे हो जाओ, क्योंकि जो स्टैंडर्ड बुक लेते हैं, अच्छी बुक लेते हैं, उनको पढ़ता कौन है भाई, लेस देन 10% लोग पढ़ते हैं उन बुकों को। पूरी पूरी सभी ने अपने रूम के अंदर लाइब्रेरी बना रखी है, किसी भी कॉलेज के अंदर जाके देखो, लगभग स्टूडेंट है ना, बुक नई की नई मिलती हैं खरीदने के लिए, सेटिस्फेक्शन के लिए, कि भाई चल मेरे पास बुक है, इसके लिए लोग बुक खरीदते हैं, पढ़ने के लिए यहाँ कोई बुक नहीं खरीदता है, ठीक है। ये बात लोग लेस देन 10% सीरियसली होते हैं जो बुक को खरीदते हैं, पूरा अच्छी तरह पढ़ते हैं, बाकी लोग, और दोस्तों मैं भी 90% में ही हूँ, 10% के अंदर नहीं हूँ, मेरी बुक भी बहुत सारी है सेम ऐसी कैसी रखी हुई है जैसे मैंने खरीदी थी, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, तो बुक खरीदने का मैटर ज़्यादा दिमाग में नहीं लगाना है, ऐसी बुक लो जो कंप्लीट हो पाए, जो ऐसी बुक लो जो कंप्लीट हो पाए। अब कंप्लीट नहीं हो रही बुक, आपने बुक ले ली तो क्या फ़ायदा उसका दोस्त, कंप्लीट नहीं होगी
कितनी भी अच्छी बुक ले लो, उसका मतलब क्या रहा? आप मोटी मोटी बुक, हैरिसन बुक है फॉर एग्जांपल मेडिसिन के अंदर, या रॉबिन्स है, रॉबिन्स बहुत अच्छी बुक है, ठीक है, हैरिसन का एग्जांपल लेते हैं, तो आपका बहुत बड़ी बुक है, कितनी वॉल्यूम है, आप उसको फाइनल ईयर एक साल के अंदर, क्या दो तीन कई सालों के अंदर उसको कंप्लीट नहीं कर सकते। वो एक सुपर स्पेशलिटी इंसान के लिए है। हाँ, कुछ टॉपिक आप देख सकते हो जो आपकी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, आप समझ में नहीं आ रहे हैं, वो सिंपल वे में आपको मिल जाएंगे, लेकिन या आप इसको एज ए नॉर्मल रीडिंग के लिए पढ़ते हो, नॉर्मल टॉपिक के लिए पढ़ते हो, तो दोस्त कुछ भी नहीं कर पाओगे आप। तो ठीक है, बुक अच्छी है, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएट के लिए कर सकते हो, उसके बाद कर सकते हो, सुपर स्पेशलिटी कर उसके बाद कर सकते हो, लेकिन अंडर ग्रेजुएट के लिए लोग कहते हैं कि स्टैंडर्ड बुक पढ़ो, तुम्हें तुम्हारा लेवल होगा, दोस्तों कोई मतलब इन बातों का, पढ़ोगे तब ना, पढ़ नहीं पाता इंसान इन चीज़ों को। मैंने देखे हैं कौन लोग पढ़ते हैं हैरिसन, कोई नहीं पढ़ता है, पढ़ते हैं वो ऐसे छाव के लिए पढ़ते हैं कि हाँ मैं, हमारा हैरिसन है, उन्हें एक दो पेज खोल लिया, दो पेज खोल लिया, उसके बाद उनको और कोई पूछेगा ना कि उसमें और क्या है, नाम भी नहीं बता पाएंगे, ठीक है, ये भी चीज़ ध्यान रखनी है। तो ये मेन मेन पैटर्न है, नंबर वन कि आपको आपका नेचर पता होना चाहिए, फिर सेकंड आपको ट्राई करके देखना है, तीसरा आपको कंप्लीट, वो बुक कंप्लीट होनी चाहिए, छोटी बुक लो लेकिन कंप्लीट करना है, और उसको बार बार भी करना आना, दो एक बार पढ़ने से कुछ नहीं होता है दोस्त, तो मतलब दो बार भी कंप्लीट कर सको रिवीजन के टाइम पे, तो ऐसी बुक लो, कंसाइज बुक लो जो कंप्लीट कर सको, और ट्राई होगा, कंप्लीट होगा, नेचर होगा, ठीक है। इन चीज़ों को आपको कोई भी सब्जेक्ट के लिए बुक खरीदनी है, उसके लिए आप ये बुक ध्यान चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। तो उसके बाद हम ईयर वाइज बात करते हैं दोस्त, तो दोस्तों अब हम बात करते हैं आपका नेक्स्ट ईयर के, जो आपका थर्ड प्रोफेशनल पार्ट वन, इसके अंदर कितने सब्जेक्ट होते हैं आपके? तीन सब्जेक्ट होते हैं, एक आपका ऑप्थेल्मोलॉजी, एक आपका ENT, एक आपका कोमेड, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑप्थेल्मोलॉजी की। ऑप्थेल्मोलॉजी के अंदर दोस्तों बुक आती है आपका मेन खुराना, इसके अंदर आती है, इसके बाद में बात करते हैं, बात करते हैं खुराना की। दोस्तों खुराना बुक मैंने देखी थी, तो बुक मैंने जब इसको देखा ना दोस्तों, बुक अच्छी है, बुक आपका शॉर्ट नोट अच्छे है, मतलब डिफरेंट एक टॉपिक को है ना एक जगह पर अच्छी तरह मेंशन कर रखा है, उसी चीज़ें जो चीज़ एक टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए वो चीज़ें उसके बारे में लिख रखी हैं, लेकिन जो डिफरेंट टॉपिक को एक जगह कोरिलेशन होता है उसकी कमी है। जैसे आप कोरिलेट नहीं कर पाओगे कि एक्टोपियन है, एंडोपियन जो भी हैं, जितनी भी एक्सोथर्मस है, एंडोथर्मस है, इनको एक जगह जैसे नॉर्मल ओवरव्यू होना चाहिए, फ्लो चार्ट होना चाहिए, माइंड मैपिंग होनी चाहिए, वो इस बुक के अंदर लैक करता है, वो आप कोरिलेट नहीं कर पाओगे चीज़ों को, शॉर्ट नोट के लिए एग्जाम लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आप हो जाएगा। तो उसके लिए मैंने डिफरेंट बुक भी देखी, लाइब्रेरी में जाके देखी, एक दो बुक और थी वो भी सेम वैसी की वैसी। तो मुझे लगता है कि ऑप्थेल्मोलॉजी के अंदर है ना वो आपके बुक्स एक अच्छी ओवरव्यू की, अच्छे कोरिलेशन वाली बुक की कमी है। यदि आप इसके अंदर इसी फील्ड मेरे को लगता है खाली है इस बुक का, तो खुराना के साथ आप जा सकते हो, कोई बुक चाहिए ही तो। लेकिन मैं जैसे मैंने खुद क्या यूज़ किया था कि आज के टाइम में डिफरेंट जो कोचिंग है ना उनके नोट्स फ्री में आपको PDF मिल जाएंगे, ठीक है, गूगल पे, टेलीग्राम पे, तो वहाँ से आप यूज़ कर सकते हो। मैंने पर्सनली यूज़ किया था, क्योंकि आप बुक नहीं ज़्यादा हम पढ़ते भी हैं, पढ़ने वाले तो खरीद लो अच्छी बात है, लेकिन आप नॉर्मल एवरेज रीडर हो तो आप इन चीज़ों का गूगल PDF हुए, टेलीग्राम पे, इनका यूज कर सकते हो, ठीक है। डिफरेंट बुक को एक बार डाउनलोड कर लो और आप एक बार ट्राई कर सकते हो, तो ये एक नंबर अच्छा तरीका रहेगा। सेकंड आता दोस्तों ENT के अंदर एक अच्छी बुक है, एक ही बुक है, वो आपका धिंगरा, ठीक है, धिंगरा बुक। इस एक इसको बुक पढ़ा ना, इसके अंदर कोई कमी नहीं लगी, मस्त बुक लगी बिल्कुल, डायग्राम अच्छे, आपका मेंशन अच्छी तरह डिस्क्राइब कर रखा है, अच्छी तरह सब कुछ सिक्वेंस वाइज सब कुछ अच्छा लगा इस बुक के अंदर। तो धिंगरा एक ही ऑप्शन, इस एक लगभग दो तीन ऑप्शन रहते हैं, लोग दो तीन ऑप्शन ट्राई करते हैं, स्टैंडर्ड बुक अलग से होनी चाहिए, आपके पढ़ाई के लिए ये होनी चाहिए, लेकिन इसके लिए ENT के अंदर दोस्तों आप सब आपका प्रोफेशनल एग्ज़ाम के लिए, NEET PG के लिए, सब के लिए आप इस बुक से आराम से काम चला सकते हो, आराम से काम हो जाएगा आपका। तो धिंगरा अच्छी बुक है, आप बिना इसको सोचे, इसके अंदर ऑप्शन नहीं है, मैंने इसके अंदर बताया था आपको, इसके अंदर आपको यदि ऑप्शन मिल जाए ट्राई करना ज़रूर आपको,
पहले आपको ध्यान रखना उन चीज़ों को, सबसे पहले मैंने मेंशन किया था कि ट्राई करना है, वो करना है, वो हर बार हर साल के लिए मैटर करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, दिंगरा के लिए आपको ENT बेस्ट है। उसके बाद करते हैं बात कॉमेड की। देखिए एक छोटा सा मच्छर है, तब से पीछे पड़ा हुआ है। कॉमेड के अंदर दोस्तों दो बुक आती हैं, नंबर वन आती है पार्क, एक आती है विवेक जैन, ठीक है। सिंपल इसमें देखो सिंपल सा फंडा है, जो ज़्यादा बड़ी पार्क इतनी मोटी बुक है, ये इतनी मोटी बुक है, तो पार्क है, सब कुछ डिटेल के अंदर डाल रखा है, सब कुछ बिल्कुल आसान तरीके से सब कुछ बता रखा है उसके बारे में। तो इंसान ज़्यादा पढ़ने वाला बंदा है तो पार्क की तरफ जाओ भाई, तुम्हारे को विवेक जैन बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। और दोस्तों मैंने पर्सनली पार्क नहीं पढ़ी थी, पार्क से कुछ टॉपिक पढ़े थे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, जो मेरे को क्लियर नहीं थे, जैसे एग्जाम्पल कॉमेड के अंदर आपके एपिडेमियोलॉजी है, स्टैटिस्टिक्स है, वो थोड़े समझने वाला टॉपिक है, तो उनके लिए आप जा सकते हो सीधा पार्क से। लेकिन बाकी सब्जेक्ट हैं वो तो रटने वाली चीज़ें हैं, बिल्कुल आपको दो तीन बार रिवाइज करनी है और आगे बढ़ना है। तो उनको ज़्यादातर के लिए मैंने विवेक जैन और मेरे खुद के नोट्स थे, कोचिंग नोट्स के जो PDF हैं वो घूमते रहते हैं ऐसे ही, उनका मैंने यूज़ किया था, उनसे आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है पार्क आप यदि पढ़ सकते हो, उसको पढ़ने की आपकी हिम्मत है, तभी आप पार्क की तरफ जाइएगा, वरना आप एपिडेमियोलॉजी स्टैटिस्टिक्स आप इससे पढ़ सकते हो, और वो आपको बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आपको PDF मिल जाएगा, उसकी आप उसको डाउनलोड कर लो और वहाँ से आप पढ़ लेना, ठीक है। और उसको इसका चेक करने के लिए कि सभी की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा, आप इनको चेक कर सकते हो कितनी वॉल्यूम है, कितना इसका नॉर्मल प्राइस रहता है, ठीक है, एक बार चेक कर सकते हो आप इनको, ठीक है। और आप ख़रीदना है तो वो ख़रीद लेना। तो ये बात हुई हमारा लगभग आपके थर्ड पार्ट वन की, ऑप्थेमोलॉजी खुराना, इसका ENT, इसके अंदर वो पार्क एंड विवेक जैन। तो इनमें से ये स्टैंडर्ड बुक के अंदर हम ले आती है, ये आपका ठीक है टू द पॉइंट क्वेश्चन आंसर टू द पॉइंट रहते हैं, लेकिन अच्छी बुक है विवेक जैन भी, छोटे वाली पतली वाली बुक आती है वो अच्छी बुक है, मोटी वाली नहीं जो आपका MCQ वाली होती है, वो मैंने न पढ़ी है न मैं उसको रिकमेंड करूँगा बिना ऐसे जाने। तो लेकिन एक पतली बुक आती है एग्ज़ाम के लिए, वो आपकी इस विवेक जैन अच्छी बुक है कंपेरेटिवली, जो कम लोग कम पढ़ना चाहते हैं। तो ये बात की हमारा आपका थर्ड ईयर पार्ट वन की। तो दो सभी जो बुक्स हैं जो मैंने आपको बताई हैं, तो इनके सभी के लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, नाम डाल दूंगा, इनको आप चेक कर सकते हो, आप इनको देख सकते हो कितनी वॉल्यूम है, कितना प्राइस है, वरना आप लाइब्रेरी से जाके चेक कर सकते हो, अपने दोस्तों लेके चेक कर सकते हो और अपने नेचर के अकॉर्डिंग डिसाइड करो, ठीक है। ये सिंपल सा फंडा है, इन बुक का मैंने एक अच्छा रिव्यू दे दिया आपको, होप कि आपको एक अच्छा आइडिया लग गया होगा।